जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारा के साथ विपक्ष के 28 दलों का गठबंधन एक मंच पर आ रहा है आ, मुंबई में दो दिनों तक के मंथन होगा 2024 की भूमिका स्पष्ट होगी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए इस पर रणनीति तैयार होगी और देश भर से वीवीआईपी के 28 दलों के प्रमुख के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के सीनियर नेता संजय निरुपम को दी गई है सर कई वरिष्ठ नेता आ चुके हैं कुछ वीवीआईपी चीफ मिनिस्टर्स आ जा रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी की गई है मुंबई एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है पिछले दो दिनों से आप यहाँ पर हैं। देखिए कल और परसों में आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी ममता दीदी और फारूक अब्दुल्ला साहब आ चुके हैं और आज अभी आज के दिन में सोनिया जी राहुल जी यहाँ पे आ रहे हैं फिर एम के स्टालिन साहब अभी भी आएंगे, वाइको साहब आ रहे हैं फिर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्राइवेट एयरपोर्ट पर आएंगे दोपहर में दो तीन बजे के आसपास और फिर केजरीवाल साहब आ रहे हैं नीतीश कुमार जी यहीं पर आएंगे फिर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं हेमंत सोरेन साहब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के वो भी आ रहे हैं तो सारे नेताओं का आज छह बजे से पहले आगमन हो जाएगा और उनके स्वागत की एक हमने भव्य तैयारी की है और हमने कोशिश की है कि एक महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक परंपरा जो है उस परंपरा के हिसाब से सबका स्वागत किया जाए क्योंकि महाराष्ट्र तो सत्कार और सम्मान के लिए जाना जाता है बिल्कुल हम ये तस्वीरें देख रहे हैं एक मंच तैयार किया गया है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया और इसमें तमाम प्रमुख नेताओं की तस्वीरें हैं और पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ है और महाराष्ट्र के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा क्या किस प्रकार से आप समझा सकेंगे कि यहाँ पर तैयारी की गई है कार्यकर्ता तमाम दलों के नजर आए सभी नेता लोग जब एयरपोर्ट पर आएंगे तो ये इसी लिफ्ट से बाहर आएंगे और यहाँ पर स्टेज हमने एक सजा दिया है स्टेज पर हम चाहेंगे कि नेता जी आए वहाँ उनका हम माल्यार्पण करके स्वागत करें और सामने आने वाले एक घंटे के अंदर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता आपको मिलेंगे और फिर ढोल वोल बजाने वाले रहेंगे और एक धूमधाम से उनका स्वागत करेगा और उस स्वागत को पूरे नम्रता के साथ स्वीकार करने की व्यवस्था हमने करके रखी है तो और आज शाम का जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो किस प्रकार का है कल क्या आज क्या होगा शाम को लोगो अनवेलिंग होगी जो इंडिया का लोगो आज उसका अनावरण होगा सभी नेताओं की उपस्थिति में कोई छः साढ़े छः के आसपास उसके बाद उनका डिनर है और फिर अनौपचारिक चर्चा के लिए एक दो घंटे लोग बैठेंगे फिर वो सोने चले जाएंगे और कल सुबह दस बजे से फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा एक इंडिया मीट जो फॉर्मल मीट है दस बजे से लेकर दो बजे तक जिसमें एजेंडा के ऊपर डिस्कशन होगा और जो एक कॉर्डिशन कमेटी बनाई जा रही है जो ग्यारह लोगों के उसके एक फाइनल रूप दिया जाएगा और उसके बाद फिर सभी नेता लोग मिलकर के साढ़े तीन बजे लंच के उपरांत एक प्रेस को एड्रेस करेंगे और उसमें वो एजेंडा शेयर करेंगे देश के के साथ मीडिया माध्यम से तो क्या हुआ पटना में एक इनफॉर्मली सोलह पार्टियां मिली और उन्होंने एक राय विचार किया कि एक संगठन बनना चाहिए बेंगलोर आते आते सोलह पार्टियों से बढ़कर के वो छब्बीस पार्टियां हो गई और वहां पर एक संगठन का नाम तय हुआ इंडिया और यहाँ आते आते मुंबई एक महीने बाद हम एजेंडा और कमिटी सब तैयार कर रहे हैं तो बहुत सिंसियरली गंभीरतापूर्वक आने वाले दिनों में मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए इंडिया का गठबंधन एक कृत संकल्प होते हुए दिख रहा है लोगों जो लॉन्च किया जाएगा क्योंकि तमाम जो 28 दल हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे ये जो लोगो होगा ये प्रतीकात्मक होगा भावनात्मक ही होगा बिल्कुल कॉमन चुनाव चिन्ह करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है लेकिन उस लोगों के माध्यम से इंडिया की इंडिया गठबंधन की एक पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या संयोजक भी चुना जाएगा इस दो दिनों के मंथन में और फेस कौन होगा दो हजार चौबीस का देखिए इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है निश्चित तौर पर जब विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आएगा तो एक प्रधानमंत्री बनेगा लेकिन आज हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह प्राथमिकता बाद में होगी पहली प्राथमिकता है सारे संगठनों को एक मंच पे लाना और उनके बीच के जो वैचारिक मतभेद हो या किसी प्रकार के कुछ इश्यूज हो उनको सॉर्ट आउट करना और उसके बाद एक गठबंधन अच्छा बन जाए और उसका काम बहुत स्मूथली और बहुत सुचारू रूप से चलने लगे उसके बाद यही आपस में मिलकर तय कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि दो तीन संयोजक चुने जाए दो तीन हो मुझे नहीं मालूम अभी संयोजक के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की कल की कल की मीटिंग में ऐसा कोई फैसला होने वाला है लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दिनों में जब कोई संगठन है तो उसका कोई संयोजक भी होगा कोई नेता भी होगा और जब सरकार बनेगी तो कोई प्रधानमंत्री भी होगा बगैर प्रधानमंत्री की तो सरकार बनेगी नहीं तो ये सवाल का जवाब आज नहीं आने वाले दिनों में मिल जाएगा आखिरी सवाल जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का तमाम एक कार्यक्रम का दो दिनों का स्वरूप है बिल्कुल मिलता जुलता स्वरूप महायुति मुंबई में कर रही है महाराष्ट्र के तर्ज पर 48 सीटों की समीक्षा करेगी तमाम जो बीजेपी गठबंधन दल हैं वो मिलकर बैठक करें उनका भी डिनर है और उनका भी रणनीति तय होगा ये ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन वो जान बूझ करके जब इंडिया मीट यहां पे हो रहा है तो ठीक उसी टाइम पे एक एक मतलब उस फ्रस्ट्रेशन में आके लाइमलाइट अपने तरफ से खींचने के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं आपने देखा होगा नौ वर्षों तक एनडीए का कोई वजूद नहीं था एनडीए कहीं दिखाई नहीं अस्तित्वहीन हो गया था जैसे ही इंडिया गठबंधन तैयार हुआ बेंगलोर में उसी टाइम पे पहले एनडीए के मीटिंग बुलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो यह सब इंडिया गठबंधन में इतनी बड़ी ताकत है इतना विराट स्वरूप है ये इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो घबराहट है उसका प्रदर्शन है बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जिनका कहना है कि तमाम वीवीआईपी और विपक्षी दलों के जो प्रमुख हैं वो मुंबई में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के दो दिनों के मंथन की पूरी तैयारी हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में महायुति बैठक कर रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा का फ्रस्ट्रेशन है कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह एबीपी न्यूज मुंबई